दोस्तों, YouTube हर वीक में कोई ना कोई अच्छा और गुड न्यूज़ वाला अपडेट लेकर आता रहता है। तो आज मैंने जैसे ही कल रात को अपने YouTube एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया था और फिर मैंने सुबह ओपन किया और मैं कुछ करने की सोच रहा था, तो जो करने जा रहा था उसी में मुझे एक नया अपडेट मिला जो मुझे काफ़ी बेहद पसंद आया। तो मैंने सोचा यार आप लोगों तक मैं शेयर कर दूँ। आप लोगों में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो क्या ना कि अपने YouTube एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते, और दूसरी बात वो उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो क्योंकि जब तक और बंदे यूज़ करते रहते हो आप नहीं कर पाते हो, तो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने ये वाला अपडेट नहीं बताया। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा, आपको वहाँ पर सारा समझाऊँगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आज इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ वीडियो को लाइक अभी कर दो। तो चलिए वीडियो को स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने YouTube एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, उसके बाद में यहाँ जैसे ही ओपन करोगे तो मैं आपको बता दूं, जिनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं और जिनको कम्युनिटी पोस्ट मिली हुई होती है, तो यहाँ क्रिएट ए पोस्ट पर जाते हैं। तो आपने देखा होगा Instagram पर बहुत सारे ऐसे फ़ीचर हैं, तो YouTube ने भी वो फ़ीचर लॉन्च कर दिया कि पहले हम यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, कम्युनिटी में डालते थे तो यहाँ पर एक इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब देखो हम 5 इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 5 इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली और नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो पहले एक ही इमेज सेलेक्ट कर सकते थे हम कम्युनिटी पोस्ट में कुछ भी पोस्ट करते थे, तो अब देखो आप Instagram की तरह आप यहाँ पर मल्टीपल फ़ोटोज़ लगा सकते हो कम्युनिटी में। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 5 इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।